नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिमेश की दुनिया पर। मैं प्रतिदिन से जुड़े हुए हिस्टोरिकल इवेंट आपके लिए लेके आता हूँ। ये फैक्ट आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद दे सकते हैं, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के भी काम आ सकते हैं। आज की डेट है 8 मई 2022। 8 मई को वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। पहला इवेंट हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। आज के दिन 8 मई 1980 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में विश्व को उस समय फैली खतरनाक बीमारी चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से मुक्त पाया गया। स्मॉल पॉक्स का टीका का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। उस समय यह बीमारी ने इतना भयानक रूप लिया था कि लाखों लोग इसकी चपेट में आके अपनी जान गंवा बैठे थे। स्मॉल पॉक्स या चेचक से मरने वाली आखिरी पेशेंट का नाम था जेनेट पार्कर। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड है। 1961 में टेक्सस के फ्री पोर्ट पे दुनिया का पहला समुद्री जल को शुद्ध करने वाला प्लांट एस्टेब्लिश किया गया। ये उस समय $1.25 यानी आज के 92.25 रुपए के हिसाब से प्रति 1000 गैलन पानी को शुद्ध करता था, जो कि समुद्री का खारा पानी था। इस प्लांट की क्षमता इतनी थी कि 10 लाख गैलन प्रतिदिन ये समुद्री पानी को शुद्ध करके पीने लायक बनाता था। आज इसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, अलग अलग कारणों से चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। हमें अपने आप को भी बचाना है, अपनी प्रकृति को भी बचाना है, ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक सही और स्वच्छ विश्व छोड़ सकें। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। मुझे मोटिवेट करते रहें। जय हिंद।